अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुनः रिप्ले के एक और लेकिन बड़ी सैड एपिसोड के साथ, पाकिस्तान 191 रन पर ऑल आउट हो गया। 155 रन पर दो आउट थे, बात हो रही थी 300 की बात हो रही थी कि क्या हम ऐसी हिकमत अमली बनाए कि डोमिनेट करें, लेकिन बाबर आजम के आउट होते ही ये टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक ऐसी कच्ची दीवार जो सिर्फ एक झटके से जमीन बोझ हो गई और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने एक बार फिर धोखा दे दिया। तो 91 रन पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है जनाब, और जैसे मैंने आपको बताया कि 155 पे दो आउट थे जब रिजवान बाबर की बड़ी अच्छी तीसरी विकेट की पार्टनरशिप थी और हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने अब डोमिनेट करना स्टार्ट करना है। लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त बॉल सिराज की जिसने बाबर आजम की इनिंग का खात्मा क्या किया, उसके बाद आखिरी 7 विकेटें तकरीबन 36 रन पर गिर गईं और अब पाकिस्तान की पूरी कौम, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये नहीं खत्म हुई, एक सख्ते की कैफियत में है। पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें क्या बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ शुरू में विकटें गिरी, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग हो गई। और कुलदीप यादव के जो अल्फाज हैं, मैं पहले तनवीर को इंट्रोड्यूस करा दूँ, रोज़ के तरह मेरे से मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये अभी मैंने ये वर्ड्स पढ़े, मैं उनको सुन नहीं सका क्योंकि हम प्रोग्राम में अब बैठने की तैयारी कर रहे थे। जो उन्होंने वर्ड बोले वो आपके टीम के पूरे प्लान्स के ऊपर रहा। मैं क्या बोलूं कि मैं वो वर्ड कंट्रोल कर लेता हूं। उन्होंने कहा दे वर नॉट अटैकिंग एट ऑल, उन्होंने कोई अटैकिंग अप्रोच बनाई नहीं, इसलिए मैंने सिंपल अपनी लाइन लेंथ मेंटेन की और मैंने विकेट ले ली। ग्रेट बैटिंग पाकिस्तान, जब आप इतने बुजदलों की तरह खेलेंगे तो दूसरे आपका इसी तरह मजाक उड़ाएंगे। तनवीर, ओवर टू यू। मेरा अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, उसने जो बात बोली कि अटैकिंग हुई नहीं, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय लाइन। सब कुछ छोड़े, उनको तो हम अभी सुन रहे हैं ना। जब मैच स्टार्ट हुआ था तो हम बैठ के क्या आपस में बात कर रहे थे कि अगर इस पिच के ऊपर भी आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप कब खेलेंगे? अब अटैकिंग क्रिकेट कौन खेलेगा? इमामुलक नहीं, कराची की विकेट पर लाहौर की पर्ची, एक मिनट, पर्ची इमामुलक, इमामुलक पर्ची अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा? आपके पास ये पर्ची प्लेयर सिर्फ रह गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक भाई, पहला वर्ल्ड कप, ये बहुत अच्छी बात है कि उसने भाई पहले मैच में 100 की सेंचुरी बनाई है, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है, 100 कर दिया, ठीक है। और जो लड़का पिछले कोई 4-5-6 साल से खेल रहा है वो आज दिन भी अपने लिए खेल रहा है, अपने लिए। ये सिर्फ सिंगल निकालना, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन ये आया था ना पाकिस्तान टीम में, उस दिन से मेरा पहला वर्ड था ये पर्ची प्लेयर है। इस यार, ये जिस दिन पाकिस्तान टीम में आया ना, आप इसके डोमेस्टिक के स्टैट्स उठा के देख लो, एक 4-डे क्रिकेट के कोई 800 रन किए हुए हैं और ये इंजमाम साहब लेजेंड साहब आए हैं, इन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। सुने मेरी बात, इमामुलक साहब को, बाबर आजम रिजवान के अलावा सऊद शकील का ये पहला वर्ल्ड कप, सऊद शकील को आप खिलाते ही नहीं थे, उसको आपने खिलाया, उसने रन्स कर दी। अब्दुल्ला शफीक नया प्लेयर, सऊद शकील नया प्लेयर, जो काफी टाइम से खेल रहे हैं। इफ्तिखार भी ऐसे ही है, कभी कर दिया कभी नहीं किया, कभी कर दिया। शॉट की जरूरत थी, सुने ना, नहीं जरूरत थी, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बात पता है कुलदीप यादव ने अभी सऊद शकील का आउट किया है, मैंने चौका मार दिया है। मैं ये बात कर रहा हूं इसमें से जिन जिन, ये इमाम हो गया, इफ्तिखार हो गया, आपके दो टॉप के ऑलराउंडर्स शादाब और नवाज, सही है, किस चीज के ऑलराउंडर हैं भाई, जिस ना ये स्पिन कर सकते हैं ना विकेट ले सकते हैं। दो प्लेयर आपके ऐसे हैं जिनको आपने खिलाया, उन्होंने रन्स किए, वो टीम में जगह बनाएंगे या क्या करेंगे? चार प्लेयर आपके ऐसे हैं जो सिफारशी हैं, दो प्लेयर आपके ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से आपकी टीम रन्स करती है। ओ भाई, आपकी टीम के अंदर है क्या? अब आपकी टीम, दो प्लेयरों पर चलते हैं, अब आपकी टीम ने 200 नहीं किए, अब आप कह रहे हैं शाहीन आके आउट कर दे, हारिस सऊदा, वो भाई वो भी इंसान के बच्चे हैं, उनको भी कोई रन्स दो, कोई एक दो आउट कर लेंगे ना, चार पांच थोड़ी आउट करेंगे। हट्टा विकेट के ऊपर जिस तरह कुलदीप ने बोला, भाई इस विकेट पे मुझे कोई बता दे कि बॉल इतना ब्रेक हुआ हो, इतना स्विंग हुआ हो, सीम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मुझे कोई बता दे, मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। 155 भाई आप में क्वालिटी ही नहीं है सर, ये मजाक हो रहा था क्या? मजाक हो रहा है, इनमें क्वालिटी नहीं है। 24 करोड़ आवाम जो सारा काम छोड़ के मैच देख रही थी, वो 1,32,000, 1,32,000, इनको पैसे चाहिए, पैसे। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सारे शोर मचाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ दो बंदे ऐसे हैं, ये 2 से 3 बंदे, शाहीन हो गया या रिजवान हो गया या बाबर आजम हो गया या चलो हारिस रऊफ वगैरह हो गए, ये 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड से अड़ी भी लेनी चाहिए, भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट करोगे सही तो हम खेलेंगे, और बाकी तो किसी खाते में नहीं आते, तुम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। अच्छा, किस खाते की हो यार? तनवीर, 155 में जब दो आउट थे, बाबर का वो शॉट टर्निंग पॉइंट, जब आपको पता आपकी बैटिंग ऐसी है,
लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, क्या था वो? देखिए मैं समझता हूँ कि बाबर आजम, देखिए जो बैट्समैन अगर सीधा अच्छा खेल रहा होता है उसको ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, थर्ड मैन पे सिंगल के लिए। लेकिन कभी कभार आपको ये लगता है कि गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर है, वो खेलने सही जा रहा था लेकिन बॉल अंदर आ गया, उनके माइंड में ये नहीं था कि बॉल रिवर्स के अंदर आ जाए। 191 में है? तो पिच का कोई कसूर है? कोई इतना सा भी? यार आप मुझे बता दो पिच में है क्या? मैं तो वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे तो कुछ पिच में क्या है। मैंने आपसे भी बता तो दिया कि फास्ट बॉलर्स या स्पिनर में कुछ होता तो आप कहते भी जी हमारे से खेलना नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं है। अभी वो जब खेलेंगे ना तो तब आप देखना वो बैटिंग करेंगे कैसे। जी सीधा सीधा बैट वो मारेंगे सीधा सीधा ऊपर से। फिर चलिए जी मैं आपको स्कोर बता देता हूँ, 191 में पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। शर्म आनी चाहिए 42.5 ओवर्स में। और मुझे तो तनवीर ये भी समझ नहीं आती कि चले सात आउट हो गए, बड़ी टीमें क्या करती हैं? 10 ओवर बाकी है, तुम ऑलराउंडर बने हुए हो, अब मुझे बात सुने, क्यों शॉट मार रहे हो ऐसा? मैंने बहुत मैचेस ऐसे देखे हैं तनवीर ऑस्ट्रेलिया के भी जहां वो पूरी तरह डाउन एंड आउट होते हैं, 5-6 विकेट गिरती है लेकिन दिमाग चलता है उनका, चलता है। अब वो नवाज का शॉट, हसन अली का शॉट, हर प्लेयर को छक्का मार रहे हैं। ओ भाई, आपको नहीं पता 50 यार मुझे, 230-240 कर लें। मुझे सिर्फ ये सिलेक्टर, ये चीफ सिलेक्टर, ये सारे यस मैन जितने भी हैं, मुझे एक चीज बता दो, ओ भाई ये शादाब और नवाज में से कौन सा बहुत बड़ा तुरम खान ऑलराउंडर है? राउंडर है, मैं कसम से बड़ी बात नहीं करता, अभी मुझे पैड पहना दो, इन दोनों से अच्छी बैटिंग करके दूंगा, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, इन दोनों से अच्छी बैटिंग करके दूंगा अभी भी। किस किस्म के बाबर 50, रिजवान के 49, उनको भी मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के होना चाहिए था। सऊद शकील 6, इफ्तिखार 4, शादाब 2, नवाज 4, 6-4, 10, 12, 16, आपके प्रिंट आउट ने टोटल 16 रन बनाए, कोई रेजिस्टेंस नहीं। कुलदीप यादव अगर गेंद कर रहा है तो शकील को भी बात पता होनी चाहिए कि मैं बैकफुट पे क्यों खेलने जा रहा हूं। कुलदीप यादव ने अगर ये बात बोली है ना कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, उसने आपके मुंह पे चमाटा मारा है, बैटिंग विकेट थी, बैटिंग विकेट थी और तुम लोग ठके लगा के खेलते रहे। कह रहा था भाई मुझे ये बताया आपको, वो ये कह रहा है मुझे चैलेंज तो करते, शायद मैं इधर उधर हो जाता। यार कितने डाउन द विकेट निकल गए ये तो बता दे मुझे, हमारे बैट्समैन कोई एक शॉट नहीं है डाउन द विकेट, एक शॉट नहीं है। एक प्लेयर मुझे बता दो, कोई सभी एक प्लेयर जो सीधा शॉट मारते हुए आउट हुआ हो। आपको पता है पूरे इनिंग में एक छक्का नहीं लगा, मॉडर्न डे क्रिकेट की तो बात हो रही है। यही तो कह रहा हूँ ना, ये मसला क्या टीम का, टीम का भाई। मुझे ब्रेक लेना है, भेजो यार इनको ब्रेक से, खुदा के लिए इनको घर भेजो भाई, जान छुड़ाओ हमारी यार। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं डिस्कस करें, समझ कुछ नहीं आ रहा है 191 पे आउट होने के बाद, सीधी बात बोल रहा हूँ, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब कह रहे थे अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे इस एसी वाले रूम में भी बहुत गर्मी लग रही है। 191 रन, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि क्या शाहीन 3 आउट कर लेगा, क्या हारिस को 2 आउट करेगा, स्पिनर्स को आउट करेंगे, और इतनी टेंशन में जो आज गर्मी है, आई थिंक इसमें मुझे लगता है कि स्प्राइट जो है ना वो मुझे पीनी चाहिए ताकि थोड़ी मैं उम्मीद भी रखूँ मैच से और कुछ ठंड भी रखूँ। आई एम बिट रिलैक्स। तनवीर साहब क्या कहते हैं आप, कोई उम्मीद और हौसला रखें, ठंड तो आप रखें, स्प्राइट हमारे पड़ी है, कोई उम्मीद है? पहले ये बताएं स्प्राइट पी के ठंड पड़ गई आपको? यकीन ठंड पड़ी मैंने, कुछ मुझे हौसला आया है, कुछ कोई हौसला दें तनवीर साहब मुझे, कोई पॉजिटिव बात बताएं, कोई शाहीन 3 आउट कर सकता है, कोई 4 आउट कर सकता है, कम ऑन, ये पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम की टीम गई, फाइट तो दिखाओ कुछ। ओ भाई क्या सिर्फ बॉलर ने ठेका उठाया हुआ है इस पिच के ऊपर, क्या करें मजबूरी, बैट्समैनों को रन करके देने चाहिए थे जी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग हो गई 250 कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तो हो गया, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है पति, मुझे ये स्पिनर्स का ठंड जो वाहिद एक से ख्यालात आ रहे हैं, शाहीन को 3 आउट करेगा बस ऐसी कर जाएगा, नहीं तो क्या कर रहा है मेरे देर, बैट्समैनों ने कुछ नहीं करना, बॉलर्स के ऊपर ही लगे रहो बस, शाहीन ऊपर से 3 आउट करे ठीक है, स्पिनर आके कोई दूसरा आके बॉलिंग कर दे, आप लोगों को लगता है कोई उम्मीद है, आप लोग ही बता दें, और आज रिप्ले के जरिए पुराम में कुछ जब आपको उम्मीद नहीं तो दूसरों के तभी चले, इस विकेट पे कोई यार कभी ये ऐसा तो नहीं बना कि 191 डिफेंड 192 डिफेंड नहीं 191 हमने बनाए, 192 बहुत बर्तवा डिफेंड हुए हैं, उसके लिए ना टीम को जान मारनी पड़ती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, कप्तान को इस वक्त ना अपने प्लेयर को कहना चाहिए मुझे नहीं पता जाके सर पे मारो पैरों पे मारो मुझे विकेट निकाल के दो, कुछ तो करो यार, यार माइंड तो यही होना चाहिए कि आपने जाना है, आप 90 पे आउट नहीं हुए, 190 भी मैच बनता है अगर आप बनाने वाले हो तो, आप नए बॉल से लेंगे तो आपके पास कुछ थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन बात यह है कि बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत कम रन है इस पिच के हिसाब से, बहुत कम रन है,
एक्स्ट्राज बिल्कुल नहीं आपके पास मौका, आपके पास चांस कि आप एक्स्ट्राज दें, ठीक है, बहुत टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी तब आप जाके, खैर टाइट बॉलिंग का भी कोई फायदा नहीं जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, विकेट नहीं लेंगे तो मैच नहीं बचता, बहुत मुश्किल है। स्पिनर्स से पहले घर में जो फास्ट बॉलर्स करेंगे वही मैच डिसाइड करेंगे तन्वीर, जो कि स्पिनर से बात आएगी तो ये तो बहुत ही कहानी खराब होगी। अब क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हम क्या बॉलिंग करनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए? देखें कुछ बॉलिंग जब आपकी इनिंग स्टार्ट होती है, जब आपके सर पे टोटल नहीं होता तो आप फिर कोशिश करते हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग करें, उनको शॉट मारने दें, वो आउट होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके पास टोटल आ गया, ये बहुत कम टोटल है, इसमें आप डॉट बॉल्स पे नहीं जा सकते। अब आपको जब तक विकेट्स, अब ये कोशिश करनी पड़ेगी एक दो स्लिप्स के साथ गेंद करें, अटैकिंग मैं तो कह रहा हूं लगा दो सारे, अब करना क्या है भाई, सारे थोड़ी स्लिप रख सकते हैं तो सामने कौन है, मतलब बॉलर भागेगा, सारी थोड़ी स्लिप हो सकती है, स्पिनर बॉल कर रहा है उस पर स्लिप लेके बॉल करो, जो भी बैट्समैन आ रहा है उसको थोड़ा सा आवाजें कसो, उसको देखो, उसको तंग करने की कोशिश करो, इस किस्म की टैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कहीं वो गलत शॉट मार के आउट हो तो तब आपको फायदा, वरना बहुत मुश्किल। सही है, चलिए भाई, गर्मा गर्मी जो है पाकिस्तान इंडिया मैच में तो होती है, बहुत सारे हीटेड मोमेंट्स भी आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तरह तैयार थे विद प्राइड, और मैंने जैसे कहा कि जब तक पाकिस्तान अभी तक बॉलिंग नहीं करता, मेरी पता नहीं क्यों उम्मीद बाकी है कि कुछ करके दिखाएं, ये मेरी उम्मीद इसलिए है कि आप 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1,32,000 का वहाँ पे क्राउड है, इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा मैच, तस्वीर 8-0 हो गया तो 8 का वेट का हैशटैग उन्होंने फिर चला दिया, मैंने रात तक फिर कोई सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करना आज, क्यों मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता यार ये सब कुछ। नहीं तो अच्छा है ना, आपको भी रेस्ट मिलेगा ना, इतना शो करके पूरा दिन अच्छा नहीं इस्तेमाल करेगा, रेस्ट करेगा, रेस्ट मिल जाएगा क्या यार, ये तुम्हारा काम है, लेकिन बात यह कि अब वायरल आई थिंक मैच शुरू होने वाला है, शाहीन शाफीदी 47 मैचेस, 88 विकेट्स हैं, पहला बॉल शाहीन करने जा रहे हैं, कम ऑन शाहीन कुछ करें यार, कुछ कम से कम उम्मीद जगाएं, कोई 2-3 विकेटें फड़काएं, कोई कोई बोल्ड वर्ल्ड होना चाहिए यार, ये वरना क्या फायदा फिर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और पहला बॉल करने जा रहे हैं, देखें कितना स्विंग होता है बॉल, और वो देखें कितने मजे थे उन्होंने पहली बॉल पे उठा के फेंका है ना, दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट, अब अभी हम होते ना ये होना था, हाँ हम होते तुम रोक लेते बस, कोई 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 कहानी नहीं थी, फिकर फाका ही नहीं है। अभी हम क्या कह रहे थे कि बहुत मुश्किल विकेट है, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला जब वो बैटिंग करने आएंगे अब देखना, उसने कोई नहीं देखा पहला बॉल है कितना स्विंग हुआ है क्या हुआ, भाई वो क्रिकेट ही यही है, आपने यही क्रिकेट खेलनी है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सिफारशी भरे हुए हैं, पर्चियां भरी हुई है, अपने लोग लेके आने हैं, ठीक है, ये 92 वाले लाके बिठा देते हैं, आके बर्बाद कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो भाई यही कुछ ही हो ना, ले लेके आओ, घुमाते फिराते रहो 92 वालों को। चले भाई, इस बार तो 14 अक्टूबर बहुत ही गर्म दिन निकला, और बहरहाल मैच भी गर्मा गर्म, और सिर्फ इसमें आपको स्प्राइट की ठंडक और क्रिकेट के जज्बात ही जो है ना वो थोड़ा सा गर्मी से बचा सकते थे, तो वही अब तक हुआ है, लेकिन अब जज्बात ज्यादा उभर के आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान भी कुछ करके दिखाए ना। तन्वीर, लुक एट रोहित शर्मा अप्रोच, लुक एट रोहित शर्मा अप्रोच, क्या ठंड स्टाइल से उसने उठा के फेंका है, रोहित शर्मा गर्मा गर्म किस्म का माहौल है, शाहीन शाफीदी विकेट उड़ाना चाह रहा है, लेकिन उसकी अप्रोच देखे काउंटर कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं करते रोहित शर्मा को इन छोटे बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं मिला सकता ना, हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे, माइंड तो सबके पास एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया, हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते, बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है भाई, अब उसकी मैनेजमेंट का बात कर हम इसके अपने प्लेयरों के, चले बारिश से उम्मीद करते हैं शाहीन कुछ करे, लेकिन आप देख लें एक और चार, कोई मसला ही नहीं सर, मसला ही नहीं, चिल प्रोग्राम है, बिल्कुल विकेट सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, विकेट सीधा नहीं हुआ, हम हमारे सीधे हमारे जो इमामुलक साहब हैं वो बहुत थके हुए प्लेयर हैं, वो थके हुए प्लेयर हैं। तन्वीर साहब मुझे ब्रेक लेने दें, ले लें जल्दी ब्रेक, लेते हैं, वापस आते हैं और फिर बात करते हैं, शायद इस दौरान कोई विकेट गिर जाए, कुछ हमारे जज्बात बुलंद हो जाए, शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे चौके लग गए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पिच तब्दील हो गई है, तन्वीर साहब ये मतलब हमारी परफॉर्मेंस का इसका जवाब क्या, कैसे लें, किससे पूछें, मतलब आपके पास कोई जवाब है? नहीं भाई, मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है, आज कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कोई जवाब, ऐसी परफॉर्मेंस हो गई है, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी बात है तो फिर एक कॉल मिलाते हैं और पॉप से जो है ना वो जवाब लेते हैं, तो कि क्या मामला है जी। चले जी, जितना आपने पॉजिटिव तरीके से बताया, होप के कोई आपकी जैसे डिलीवरी ये फूड पांडा की ज़बरदस्त तरीके से होती है, हमारी चीज़ भी डिलीवर हो जाए, लग नहीं रहा अभी तक कुछ ऐसा होगा, लेकिन थैंक यू पॉपो, आपको इंशाल्लाह लेते रहेंगे। तन्वीर साहब, आप ये बॉल क्यों नहीं स्विंग हो रहा, आपने चीज देखी, ये क्या मसला है? शाहीन का बॉल अंदर आया, क्रीज छोड़ी, पहला ओवर है, आराम से क्रीज छोड़ी, बिल्कुल के इसकी स्विंग को किल कर दो,
क्यों? उसकी वजह यह है कि विकेट पे कुछ भी नहीं, एयर में हुआ, उसको किल किया। उसके बाद शुभमन गिल ने जो हसन अली को चौका लगाया विद इन स्टंप, ये थोड़ा सा ऑफ से बाहर से बॉल था, अच्छी लेंथ पे बॉल था, उसको चल के उन्होंने स्विंग को किल किया, चल के उन्होंने ड्राइव मार दी है। क्यों ड्राइव मार दिया? क्योंकि जब इन पिचेस पे जब बॉल एयर में स्विंग होता है ना, उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब लगने के बाद सीम होता है वो मैनेज नहीं होता। ठीक है, इस पिच पे लगने के बाद सीम नहीं हो, एयर में जा रहा है, जिसकी वजह से वो चल के वो मारने के पिच हिट होने के बाद बॉल सीम ही नहीं होगा। समझ आई? तो कॉन्फिडेंस चेक करें। खैर, मैं फिर ऐसी डिटेल में जा रहा हूं या मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। दूर तनवीर साहब हमारे दो सही कह रहे हैं। एक आने का भी कंपैरिजन नहीं है इंडियन बैट्समैन और पाकिस्तानी प्लेयर, पर्चियों ओपनर जो पर्ची है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, 155 पे दो आउट से 191 पे ऑल आउट, मतलब हम मेंटली वीक हैं, हमें खेलना नहीं आता है, हमारी टेक्निक्स अच्छी नहीं है, 132 देख के हम घबरा गए हैं। एबिलिटी यही है। कुलदीप यादव बोल रहा है कि मुझे किसी ने मारा ही नहीं, मैं अपनी गेंद करता रहा। एबिलिटी वो बुमराह सीधे गेंद, शादाब खान सीधी गेंद पे बोल्ड, रिजवान अंदर आता गेंद, तुम 49 पे खेल रहे हो, गेंद रोक नहीं पाए, किधर था माइंडसेट क्या है हमारा? पता क्या बात कर रहे होंगे, जब ये दोनों ओपनर्स खेलोगे ना, इमाम वगैरह खेल रहे हो, आपस में पता क्या बात करोगे, वो करते रहो जगह पे बॉल, इन्होंने मारना तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है ना, वो देखिए वो आते रहो, वो 191 चेस करें 2.3 में 23 फॉर नो लॉस। हाँ तो ठीक है ना, उनको पता है कि सामने टीम क्या लगी हुई है। हम अपने 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 देखे, उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेलना है, उन्होंने सिर्फ बॉल देखनी है, कहां जाना है, बंदा नहीं देखना उन्होंने, वो अपना गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से वो टॉप क्लास किस्म के प्लेयर हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद आप उठेंगे नहीं उठेंगे? आप यार वर्ल्ड कप में देखिए, ये जितनी हम बातें पाकिस्तान 8-0 हो जाएगा, जितनी बातें हम ये कर रहे हैं ना पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सकती, जा सकती है। ये मैच इतना बड़ा मैच था, वो भी इंडिया के खिलाफ, तो हम ये चाह रहे थे कि हार जीत होती है, लेकिन ऐसी कम अज कम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड देख रहे हो, पाकिस्तान तो हमारे साथ भी। अब अगला मैच आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या हाल होगा कोई पता नहीं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको। हाँ तो और क्या, पूरे जो कैच पकड़ लिया जी, पहला आउट कर दिया शाहिन शाह अफरीदी ने, शुक्र 23 गेंदों पे 23 रन से पाकिस्तान की पहली विकेट गिरा दी है पाकिस्तान ने इंडिया की। तो चलें, कोई होप तो आई, कुछ तो हुआ। अब जहाँ विराट कोहली, अब कहें ना विराट कोहली, रोहित शर्मा है, बाबर डाले पंजा और बोला मुझे इन दोनों की विकेट निकाल के दो, शाहिन आ रहे सर तुम वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, और इन दोनों को गिराने के बाद मैं देखता हूँ फिर इंडिया कैसे उठता है। माइंड सेट तो होना चाहिए तनवीर, नहीं होना तो चाहिए। कोहली विराट और ये रोहित शर्मा दोनों को आउट तो करें जरा, उन्होंने बाबर और रिजवान को आउट किया, कच्ची दीवार नहीं होती जैसे, उसकी तरह हमारी कच्ची मट्टी की तरह हम लोग ढह गए पूरे। तो उसके बाद नहीं ढह सकते, नहीं बताए नहीं ढह सकते, नहीं ना, मुश्किल है ना, आउट तो करें। अच्छा मुझे चीज बता, रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर आप आउट कर देते हो, उनके पास पीछे कौन है प्लेयर? केआर राहुल, और कौन है? श्रेयस अय्यर, और कौन है? जडेजा। तो उनके पास प्लेयर नहीं है पीछे, प्रेशर में हार्दिक पांड्या को भूल गए? हार्दिक पांड्या भी है, हार्दिक पांड्या, बड़ा आराम से बोला आपने, हार्दिक भाई ये रन इतने नहीं है कि अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऊपर से आउट करो तो आप पकड़ लोगे, रन्स आपके बहुत कम है, इनको आउट करने के बाद भी विकेट इतनी सीधी है कि ये रन्स कर सकते हैं आराम से, आप उसी टाइम इनको पकड़ स्पिनर ही ले आए, तुक्के में हो जाएगी, जडेजा की तरह नवाज को ले आए, तुक्के में हो जाएगी बॉलिंग, मैं कह रहा हूं ना जडेजा की, हमारे स्पिनरों की बॉलिंग भी तुक्के में हो जाएगी, इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं ना, हमारे अपने दो स्पिनर्स को मैं क्या बोलता हूं, स्लो बॉलर्स हैं, स्पिन तो करते ही नहीं, स्लो बॉलर स्लो गेंद करते हैं, स्पिन तो करते ही। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कि जो विराट कोहली पहली गेंद देखने थे, क्या पता कोई मैच सीधा बॉल बैट के नीचे, कोई यॉर्कर वॉर्कर हम तो करें, हम बाबर शाहीन हारिस रऊफ, मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है विकेटे गिरेंगी, रिजवान, हम इनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते, क्या वजह दूसरों के खिलाफ? इसलिए अब आज उनके खिलाफ भी डिस्कस करूंगा, बात करूंगा कि आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, जब आप सेट हो जाते हो तो आप मैच बना के जाओगे। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, वो तो चले आप करें या ना करें, इनके बारे में इनके अगेंस्ट क्यों नहीं जाते हम ज्यादा, वजह क्या है? कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस तो है, बाकियों के अगेंस्ट क्यों जाते हैं? टेंट है ना, बाकियों के इस वजह जाते हैं ना, कुछ करते नहीं है तो फिर टीम में क्यों है जब कुछ करते ही नहीं है? सिफारशी टीम में क्यों है? पर्चियां जो है वो टीम में क्यों है? आप बताएं, मैं तो बचाव बता के थक गया हूँ। वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, उस अगले वर्ल्ड कप के दौरान लोग टीम बनाते हैं, ये सिफारशी और पर्चियां बनाते हैं, ये अपने लोगों का जाल बिछाते हैं कि हम किसी तरीके से ऐसे जाल बिछा रहे हैं। एक आउट हो गया ना तनवीर, कोई निकाले एक विकेट, ये है रोहित और कोहली के, भाई विराट कोहली का कोई मसला नहीं है, आपका डेंजरस प्लेयर रोहित शर्मा है, इनको आउट करो, ये फटाफट 50 आउट भी है, आप देखेंगे फटाफट 50 रन कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा विकेट का, इसमें कोई कमाल नहीं था, नहीं कुछ भी। आप मुझे बताएं जितनी बॉलिंग हुई है क्या है विकेट में,
कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कौन सा कोई बड़ी बमबारी मार रहे थे, वो बड़ा मुश्किल में डाला था उन्होंने। एक और चौका, हाँ है ही नहीं विकेट में, कुछ है ही नहीं ना। तो आप फिर स्पिनर ले आए सर, कुछ तो नया करें। स्पिनर आएंगे और जल्दी रन बन जाएंगे, स्पिनर भी किसी क्वालिटी के नहीं है। माजर्द के साथ बहुत खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा हूँ आज मैं, करनी चाहिए सर। इस परफॉर्मेंस पे क्या डिफेंड करेंगे? कुछ भी नहीं हमारे पास यार। इस परफॉर्मेंस पे डिफेंड क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। देखिए पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, कुछ भी हो सकता है, सेमीफाइनल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज आज के मैच के आगे पाकिस्तान की टीम तो बच्चा टीम लग रही है उनके आगे। जी ये तो बहरहाल जैसे जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, जैसा मैच था और 14 अक्टूबर साल का बड़ा दिन गर्म दिन निकला, लेकिन चलें स्प्राइट की वजह से कुछ ठंड और क्रिकेट के जज्बात की वजह से जो है ना कुछ बचत बचत हो गई है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी फील आ रही है कि आज विकेट तनवीर और गिरेगी और मैच फंसेगा, पता नहीं क्यों। अरे भाई बच गए, सॉरी यार हम लोग लाइव मैच में ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन कहाँ से बचें। अच्छा हमारी किस्मत भी ख़राब है, इफ्तिखार का क्लब से लेके गेंद नज़र आ गया, एक का जो है वो इस तरह आउट हो गया। अभी रोहित शर्मा का शॉट चेक करें, लकी भी बहुत हैं, ये कहाँ से गेंद बचा यार, ये अच्छी बॉल थी बच गए। अब हमारे प्लेयर होते हैं लेके अंदर आ जाते यार, वो बात नहीं है, बेशक आउट हो जाता, उसकी सोच तो देखो पॉजिटिव है। अमूमन क्या होता है, हमारे प्लेयर जो होते हैं, हमारे जो ओपनर थके हुए पर्ची डंडों पे आए हुए हैं, ये इतने कम रन्स पे पता कैसी क्रिकेट खेलते हैं, इतने कम रन्स पे आराम से टेस्ट मैच सुकून से 192-3 करने हैं बस खत्म, आराम से खेलो अपने टेस्ट मैच की तरह खेलो, 50 करो 70 बोलों पे 50 करो, अपना अगला मैच पकड़ो। चले जी हमारे प्रोड्यूसर साहब तो बहुत जल्दी में, वो कह रहे हैं अगले मैच पहले डिस्कस कर लो, अगले मैच में क्या करना है। प्रोड्यूसर साहब तो वैसे ही जल्दी में रहते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है कि अब अगले मैचेस के ऊपर पहले बात कर लें, क्योंकि आज के मैच मुझे लगता है उनको तो कोई एतबार नहीं लग रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अगले तीन मैचों में दो हैं हमारे पास, तनवीर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और फिर अफगानिस्तान बीच में, इसी परफॉर्मेंस की वजह से अफगानिस्तान जैसी टीम वो चौड़ी हो जाती है ना कि हम इनको पकड़ लेंगे, बोलेंगे 150 पे दौड़े पकड़ो जी, यही तो वजह है। वो कौन सा दिन होगा, वो तो ऑस्ट्रेलिया से डग लग रहा है सारा गुस्सा अच्छा निकाल दे डेविड वॉर्नर, वो कौन सा दिन होगा, पता नहीं मेरी जिंदगी तक भी है या नहीं है, वो कौन सा दिन होगा जिसमें हम बोलेंगे अफगानिस्तान को आराम से मार देंगे, या मैं और आप बैठे हुए बात और हो गया नहीं कौन सा हुआ ना, मैं और आप बैठे हुए ये बात कर रहे होंगे, वो कौन सा दिन होगा कि हम आपस में कहीं बात कर रहे होंगे के बाद मैं बता दूं कि अफगानिस्तान को हरा देंगे आराम से, बांग्लादेश कोई मैटर ही नहीं करती, नेदरलैंड का कोई मसला नहीं है यार, हम आप तो फिर भी डिस्कस कर रहे थे नेदरलैंड को, मैं तो वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन आप भी क्यों कर रहे थे ये मेरी समस्या बाहर, इसलिए कि मुझे पता था हमारी कभी बैटिंग गिर जाती है ये प्रॉब्लम है, यही नहीं होना चाहिए, रेपुटेशन जब ऐसा होगा तो फिर होता है, हम क्या आयरलैंड से नहीं आ रहे, हम क्या बांग्लादेश से 99 में नहीं आ रहे, बहुत चीजें हमने की हुई है, 99 वाला तो सबको पता है हम क्यों आ रहे हैं। कुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, बेस से जब वापस आएंगे तो शायद अल्लाह करे एक आध विकेट और गिरी हो, कुछ हौसला बढ़ जाए, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जनाब 14 अक्टूबर बना है साल का सबसे गर्म दिन, लेकिन स्प्राइट की ठंडक और साथ साथ क्रिकेट के जज्बात ने अब तक हमें जो है वो बड़ा मोटिवेट रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक विकेट गिरने के बाद 39 पे एक आउट है, पता नहीं मुझे ऐसी फील आ रही है कि अगर यहाँ पाकिस्तान रोहित शर्मा विराट कोहली की विकेट ले तो कुछ इस मैच में हमारी वापसी हो सकती है, वरना अभी तो ये सिंगल वे ट्रैफिक लग रहा है बस गाड़ी भारत की चली जा रही है मोटर वे पे और हम सिर्फ खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। सर मेरे जज्बात हैं तो आप उस पर बर्दाश्त कर लें, जज्बात अपने पास ही रखें, मेरे पास ही, बट आप कुछ आप क्यों हौसला कर लें, आप क्यों ऐसी बातें मेरे सामने कर रहे हैं कि मैं अपनी वाली बातें करूं जो मैं ब्रेक में कह रहा था, सुने कर दो बातें, आप जवाब देंगे उनका, तो क्या मजाक हो रहा है क्या, मुझे एक बात बताएं, करें ना बात, ये रिजवान के क्रैम्प्स जी, मैं तो कोई एक्टिंग कर रहा था, अब हमारा एक गेंद उधर जा रहा है, ये यार मैं ऐसी बातें नहीं करता, पर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी प्रोफेशनल अच्छा, भी कमी है, हर बॉल पे हमारे जज्बात नजर अच्छा, आते हैं अच्छा, अब जसप्रीत बुमराह गेंद करता है विकेट लेता है यूं आंखें नीचे करके वापस जाता है, बिल्कुल ऐसे सर उसके नीचे होता है, आप उठा के आईलैंड में देख लेगा अच्छा, मेरी बात अच्छा, समझ में आ जाएगी अच्छा, जडेजा वापस, कुलदीप यादव वापस, हमें हर गेंद पे स्टाइल मारना है, कभी हंसी है कभी हमारे कोई जज्बात है, मतलब क्या ये क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे कोई एक्टिंग के भी पैसे हैं सर, अच्छा मेरी बात मैं मजाक नहीं कर रहा, आप नोट कर लें वो ठीक है, अपनी जगह आप सही बात कर रहे हैं, इतने एक्सप्रेसिव हैं, मुझे एक चीज बताएं, आप जो इतने जज्बात आपने जाहिर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जीत जाएगा, अल्लाह करे 2-4 आउट हो जाए, क्यों आप मेरी जो वर्डिंग है या जो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ उसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं जब तक कुछ होना चुप हो जाऊं, लेकिन मैं भी वो बातें कर रहा हूँ जो ख्वाब अच्छा, मुझे ख्वाब है मेरे ख्वाब, विकेट आपको रोड नजर आ रही है, रोड बिल्कुल मोटरवे, सीधा मोटरवे अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो विकेट है ये पहली इनिंग में भी ऐसी थी या कुछ ब्रेक हो रहा था, उलट हो गई थी पहली इनिंग में, बस ये था
पहली इनिंग में ये था कि वो सूरज निकला हुआ था। हाँ बिल्कुल समझ आई, बिल्कुल पहली इनिंग में ये था और विकेट बैटिंग के लिए और क्या, ये तो पहली इनिंग में ये था। थोड़ा सा आपको वैसे आप जैसे कहते हो कि अंडर लाइट जैसी कंडीशन हो थोड़ा सा सर मेरी सनशाइन में बैटिंग करना ज्यादा आसान है। मेरी बात लिख ले, समझ ले, सब कुछ कर ले, रिजवान हो या उस जैसा कोई तगड़ा ओपनर आप लेके आओ, आपकी बैटिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल जाएगा। और आज मैच जब पाकिस्तान हारता है उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ हैं आपका हेड कोच या मिकी ऑर्थर जरूर गरम हो जाएंगे, भाई ये किस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। गरम होंगे, हाँ ये वैसे एक बात है, बात पे खुद तो वैसे ही पैसे ले रहे हैं, वही रन लड़कों को रहे हैं, वही खुद तो होते ही नहीं है ना। हाँ जी, वो क्यों तो होते ही नहीं है यहाँ पे। आइए आप, वैसे आपने बात सही बोली, ज़का अशरफ साहब मीटिंग करेंगे आज दोबारा। कौन सी मीटिंग? उन्होंने कल भी मीटिंग की थी ना मैच से पहले, मैच के बाद भी। ज़का अशरफ साहब को मीटिंग में जाने का मकसद क्या था? हाँ ये बता देना, कल वो जो दो घंटे जाए हुए जिसमें लड़कों को बुलाया गया होगा, वो क्यों टाइम जाया गया? कभी किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देखा है कोई वर्ल्ड कप हो रहा है कुछ जाके बैठ गया टेबल का पता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया वालों को, इंग्लैंड वालों को, अपनी वो दिखाए बिला वजह की पता नहीं मैं आके क्या इनको कह रहा हूं। देखा कभी साउथ अफ्रीका, किसी को क्रिकेट का पता नहीं है कि उनके चेयरमैन आके मोटिवेट करें, इनको ज्यादा पता है उनके, देखे वो चेयरमैन आके ऊपर बैठे हुए चुपचाप, कैमरा गया। असल में दूसरों को घूमने फिरने का शौक नहीं है, एक मेरी बात सुने, असल में दूसरों को प्रोटोकॉल का शौक नहीं, दूसरों को घूमने फिरने का शौक नहीं, दूसरों को बिजनेस क्लास लेट के जाने का शौक नहीं, एक और बात बताऊं आपको, सेवन स्टार होटल में रहने का शौक नहीं, बात सुन लेना, दूसरों को बर्फबाजी करने का शौक नहीं, कैच तो नहीं हो गया, नहीं नहीं छक्का हो गया भाई, किधर घूम रहे हैं, मैं सॉरी माजरत मेरी तरफ से। आप मुझे बताएं कल बीसीबी की प्रेस रिलीज आई थी कि ज़का अशरफ के, सॉरी माजरा के साथ, अगर हम इस किस्म की बात करें स्पेशली, मैं चले अपनी बात करता हूं, अनाउंसमेंट में आप लोगों ने बहुत बुरे तरीके से आज क्रिकेट खेली, इस वजह से इस किस्म की बात हो रही है। जी जी माजरा, हम आप अच्छा खेलेंगे तो हम आपको मोटिवेट भी करेंगे। अच्छा जी, कल एक रिपोर्ट आई थी पीसीबी की जाने से, मैं उसको जरा चेक कर लूँ। रोहित शर्मा पीछे बॉल की है, यस पीछे जी, किधर गई जी, किधर की रिपोर्ट? बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ये थी भाई कि हमारा फास्ट बॉलर एक बॉल पीछे करता है बैट्समैन छक्का मार देता है, उनके फास्ट बॉलर बॉल पीछे करते हम लेफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कल हमने लिखा है जी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को पहली बार हराने के लिए पूरा दम। एक तो ये किसने लिखा? भी प्रेस रिलीज में ये किसने लिखा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्यों वजह वजह जी हराने के लिए पूरा दम है, इंडिया ने लिखा। क्या शौक, क्या मार जीरो को करेंगे, पता नहीं हम लोग किस तरह की बातें करते हैं। क्यों लिखने का मकसद क्या था? ट्वीट किया ना, आप पढ़ते नहीं भाई के ट्वीट, मैं तो कल लिखा है, बाकी लोग तो पढ़ते नहीं है शायद, मेरे ख्याल में आप पढ़ लिया करें। फिर जी लिखा गया कि आज ज़का अशरफ के एजाज में बीसीसीआई तकरीब का इनेकाद करेगा, जिसकी हम बाद में फुटेज भी देंगे। ना फुटेज हुई, तकरीब भी पता नहीं हुई कि नहीं हुई, फुटेज भी नहीं आई अब तक। किधर है फुटेज भाई? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना था कि हमारी टीम जीतेगी, चार पांच साथियों के जल्दी जल्दी वीजा लगे कि वही पहुंच जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज निकाली उसमें इतना था कि हमारी टीम जीतेगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो हमारे सिलेक्टर, जिन सिलेक्टर को रखा जाता है ठीक है, वो किस किस्म की सिलेक्शन करते ये उनको नहीं पता, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, उनकी मर्जी। मुझे बात बताएं, इंतजामुल हक गए थे वर्ल्ड कप से पहले। आप मेरी बात सुने, मुझे बात बताएं, इंतजामुल हक वर्ल्ड कप से पहले गए थे। कौन सा वर्ल्ड कप? क्या डिस्कस, आपका डायरेक्टर टीम के साथ ही नहीं होता, कौन सा वर्ल्ड कप ये तो बता दो, कौन सा वर्ल्ड कप, क्या तैयारी होगी, उसके मजे लगे हुए वर्ल्ड कप, एशिया का भारी टीम वो वापस, वर्ल्ड कप टीम हारेगी वो वापस, नोट उसको मिल रहे हैं, उसके मजे लगे हुए, कौन सी तैयारी, कौन सी टीम? जी सेक्टर ने क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था कि कैसे खेल रहे हैं, तो सब वैसे ही खेल रहे हैं जैसे एशिया कप में खेल रहे थे। तो फिर क्यों गए हैं? फिर चीफ सेलेक्टर क्या है? चीफ सेलेक्टर दूसरों को समझाता है, इमाम को क्यों नहीं समझाता? या तो ये आपस में मुझे लगता है खुल के हमें बता दें कि कौन नहीं सुनता, इमाम को क्यों नहीं समझाता? हमने तो नहीं कभी देखी इमाम को समझाते हुए तस्वीर आ जाए, हमने तो नहीं कभी देखी। या तो ये खुल के बता दे कि आपस में दूसरे के नहीं मानते तो हमें वही बता दें ताकि हमें बेवकूफ ना बने। वो सर अभी तो बेटा भी रेडी हो रहा है। मैं इसे याद क्या कर रहा हूँ कि आप क्या कह सकते हो, बहरहाल जनाब 50 पे एक आउट है, स्मूथ सेलिंग है, विराट कोहली रोहित शर्मा इसलिए बड़े प्लेयर हैं कि बड़े मौके पर रन करते हैं। बहरहाल क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ कहने की हद तक कह रहा हूँ क्योंकि ये कहते हैं बड़े मौके नहीं, ठीक है, ये छोटा मैच है, छोटा मैच है, आप उनके लिए बड़ा मैच है। 191 चेस कर रहे हैं तनवीर, बहुत बहुत 191 चेस कर रहे हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका कि आपने बहुत अच्छी बातें की आज और मेरी बातों को बर्दाश्त किया। एनीवेज गाइस, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस मैच में कुछ हो सकता है, मैंने आपकी बातों को बर्दाश्त किया, मेरी बातों को औरों ने बर्दाश्त किया। हां कल इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक और जबरदस्त तगड़ा मैच खेलने वाला है, लेट्स होप कि कोई अच्छा मैच हमें देखने को मिले। आज तो वन साइडेड मैच हो गया, कल मुलाकात होगी 5:05 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।